हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट टेक। तो सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच, बिकॉज अपने मेन पॉइंट टेक वाले चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो उस पर 5,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए, ठीक है। और अगर मेन पॉइंट स्टडी की बात करें तो वहाँ पर तो बिल्कुल तहलका मच चुका है। मेरे कहने का मतलब वहाँ पर अब रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। रिवर्स काउंटिंग का मतलब आप समझते हो ना, मेरे कहने का मतलब पहले 50 हुए, 60, 70, 80, 90,000 सब्सक्राइबर हुए, बट अब 1,00,000 सब्सक्राइबर में है ना सिर्फ और सिर्फ 7,500 सब्सक्राइबर कम है। तो आप अगर जानते हो किसी को जो 9th, 10th, 11th, 12th पे पढ़ता हो, आपका कोई क्लासमेट हो, या आप टीचर हो तो आपके स्टूडेंट वगैरह भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर भी ये वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि वो भी अर्न वगैरह करना चाहते हैं अपने नोट से, तो आप भी अपने स्टूडेंट को मेन पॉइंट स्टडी चैनल का रेफरेंस वगैरह दे सकते हो, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हो। ओके, तो चलो जी वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही मेन पॉइंट टेक वाले चैनल पे 5,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, तो मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने नोट्स से अर्न कर सकते हो। नोट्स समझते हो ना, 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे जो है वो नोट्स वगैरह बनाते हैं, और साथ ही में बहुत सारे टीचर भी हैं वो भी नोट्स वगैरह बनाते हैं क्योंकि उनको अपने स्टूडेंट को पढ़ाना वगैरह होता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने नोट्स से अर्न कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। मैंने करा है क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट वगैरह के लिए नोट्स वगैरह बनाता था, और उससे फिर मैंने अर्न भी किया है। तो कैसे किया है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ, आप अगर इस वीडियो में ये सोच कर आए हो कि मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपने नोट्स को कैसे बेचो, तो आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हो, हमारा साथ यहीं तक था। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली ये नहीं बताने वाला कि आप अपने नोट्स को कैसे बेचो, क्योंकि ये सबसे ख़राब तरीका है। अपने नोट्स को बेचना सबसे ख़राब तरीका है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई भी बंदा आपके पास आता है जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते और आप 9th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, वो आपको बोलता है कि आप मेरे सारे नोट्स ले लो 1,000 रुपये में, जिसको आपने कभी देखा नहीं, आपने उसको जाना नहीं कि जी वो टॉपर है या फेलियर है या पास आउट है, वो क्या है क्या नहीं है, आपने उसका नाम भी कभी नहीं सुना, क्या आप उसके नोट्स 1,000 रुपये में खरीदोगे? बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, कोई टॉपर देगा तब भी नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो नोट्स को स्टार्टिंग में सेल करना है ना, ये बहुत ही गलत तरीका है। आप कभी भी अपने नोट्स को बेच नहीं पाओगे, पैसे कभी अर्न नहीं कर पाओगे अगर आप बेचने का ट्राई करोगे तो। बट हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताने वाला हूँ कि आप अपने नोट्स से अर्न कैसे कर सकते हो। देखो दोनों में डिफरेंस है। बेचना मतलब ये होता है कि जो एंड कंज्यूमर है यानी जो आपके स्टूडेंट वगैरह उनको पे करना पड़े तब उनको नोट्स मिले, बट मैं आपको इस वीडियो में ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपके जो स्टूडेंट हैं उनको भी नोट्स एकदम फ्री में मिले और आपकी भी कुछ अर्निंग हो, ठीक है, कुछ क्या बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो, ठीक है। और मैं बता दूँ, इस वीडियो में आप देखोगे कि पहली जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें और इस वीडियो में ऑलमोस्ट 2 महीने का डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मेरे को लग रहा है कि अर्निंग का सबसे बढ़िया तरीका है, और उससे मतलब नोट से कैसे अर्न कर सकते हो आप, उससे यानी नोट से अर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका है, उससे मेरी अर्निंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है। और मेरे को लगता है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर मैंने खुद अर्न नहीं किया अभी तक तो मैं उसके बारे में कैसे बताऊँ, बट अब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है तो इसलिए मैंने उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। डिमांड क्रिएट करने का मतलब है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज वगैरह करके पूछते हैं कि सर या भैया अपने नोट्स वगैरह दे दो, या कोई बाकी बच्चे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हज़ारों मैसेज आते हैं? नहीं आते। तो सबसे पहले आपको अपनी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी नोट्स की, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग ये तो बता देते हैं कि जी अपने नोट्स को यहाँ बेचे यहाँ बेचे यहाँ बेचे, बट कोई ये नहीं बताता कि जी डिमांड कैसे क्रिएट करें, कौन खरीदेगा आपके नोट्स, क्यों खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, ये कोई नहीं बताने को रेडी। तो वही मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगा और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं खुद बता देता हूँ कि मैंने अपने नोट्स से कैसे अर्न किया, क्योंकि अब वीडियो स्किप करने की कोशिश मत करना। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको प्लेटफॉर्म पता भी चल गए ना तब भी आप उससे अर्न नहीं कर पाओगे अगर आप मेरी सारी बातें नहीं सुनोगे तो। अब ट्राई करके देख लेना, वीडियो आगे करके देख लेना, अगर आप चाहते हो तो फिर से दोबारा पीछे करके शुरुआत से देखनी पड़ेगी, तो इसलिए बिल्कुल लगातार देखो। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिस चैनल की अभी बात करी मैंने, मेन पॉइंट स्टडी, वो मैंने बहुत पहले बनाया था, मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल। और जब मैंने वो चैनल बनाया था ना, वो बेसिकली इसलिए बनाया था क्योंकि मैं 9th, 10th को कोचिंग वगैरह देता था, जो नोट्स बनाता था ना, तो वही मैंने वीडियो में समझाना स्टार्ट किए। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप हमें नोट्स वगैरह भेजो, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं अपने नोट्स नहीं भेज सकता, ड्राइव पे नहीं भेज सकता, ड्राइव होता है गूगल ड्राइव होता है, जीमेल से अटैच होता है, तो मैंने बोला कि मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो नहीं दे सकता, ठीक है। अब स्टार्ट, फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सिक्योरिटी का जो इशू था वो ख़त्म हुआ, मेरे को लगा भेज देना चाहिए, फिर मैंने वो भेजना स्टार्ट किया। बट उसके बाद है ना, मैं ये देखता हूँ कि मेरे 13,000 सब्सक्राइबर हो गए और मेरी अर्निंग जो थी वो 0 थी, मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ,
ओके। और मैंने वीडियो में बताना स्टार्ट किया कि जी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है और मेरी अर्निंग नहीं आ रही, तो जो भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और ये सारी की सारी चीज़ें। तो एक बच्चे ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बोला कि सर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है। और कहते सर आपका मतलब ये जो चैनल है यूट्यूब वगैरह है और जो आप नोट्स बनाते हो उसे बिल्कुल अर्निंग नहीं आ रही। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आ रही। तो उन्होंने बोला कि सर आप एक तरीका यूज़ कर सकते हो जिससे आपके स्टूडेंट को भी फ्री में नोट्स मिले और आपको भी कुछ अर्निंग हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल बताओ जी। तो उन्होंने बोला कि सर आप शॉर्ट लिंक वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। अब शॉर्ट लिंक वेबसाइट का मतलब क्या होता है? बहुत सारी शॉर्ट लिंक वेबसाइट मिल जाएगी आपको जिसमें आप क्या करते हो, पहले तो अपने नोट्स की PDF बना लो। ठीक है, PDF कैसे बनाते हैं आपको पता ही होगा, फोटो खींचनी होती है। मैं बता दूंगा, मैं डॉक स्कैनर का यूज़ करता हूँ PDF वगैरह बनाने के लिए। तो आप उसे PDF वगैरह बना लो और उसको ड्राइव पे सेव कर लो। अगर आपको नहीं पता कि ड्राइव पे सेव करने का मतलब क्या होता है, जैसे जीमेल ID होती है ना, उसमें कुछ आपको 15 GB का स्पेस मिलता है, तो आप उसमें अपलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बिल्कुल अगली वीडियो कल परसों बता दूंगा कि आप अपने ड्राइव पे नोट्स कैसे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद उस लिंक को अगर आप शॉर्ट लिंक वेबसाइट पर डालोगे ना, तो आपको छोटा लिंक क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, और कोई भी जब उस लिंक पे क्लिक करेगा ना, तो स्टार्टिंग में नोट्स नहीं खुलेंगे, पहले 2-3 ऐड खुलेगी, उसके बाद नोट्स खुलेंगे। और वो जो ऐड होगी उससे आपको अर्निंग होगी, बट आपके स्टूडेंट को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा और वो ऐड देखने के बाद वो नोट्स को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया तरीका है। तो ये पहला तरीका मैंने यूज़ करा। और मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट लिंक वेबसाइट का जिसका मैंने यूज़ किया था उसका नाम था GP Link। ठीक है, इस चैनल पे आपको GP Link की बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी कि आप कैसे उससे अर्न कर सकते हो, कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा GP Link के बारे में पूरा अच्छे से, कि पूरा 18 मिनट की वीडियो, एक एक चीज़ बेसिक आपको अच्छे से समझाइए। ड्राइव पे कैसे अपलोड करते हैं अगर वो आपको नहीं पता, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब मैंने कितनी अर्निंग करी तो वो आपको स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा, $50-55 मैंने अर्न किए होंगे उससे। ठीक है, चलो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने नोट से कैसे अर्न कर सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका वो ये है कि आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब सबसे पहले तो बहुत सारे टीचर देख रहे होंगे वीडियो, स्टूडेंट देख रहे होंगे, सर हमको तो कोडिंग का सीन ही आता, आप कह रहे हो वेबसाइट क्रिएट करो, अब क्या वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखे क्या? नहीं, मैं आपको बोलूं कि मेरे को भी कोडिंग का सीन ही पता, आज भी नहीं पता मेरे को। अगर कोई पूछेगा कि कोडिंग क्या होता है, यहाँ C++, Java, HTML वगैरह, Python, मेरे को कुछ टाइम पहले ही पता चला कि Python भी एक तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो मेरे को भी बिल्कुल भी नहीं पता कोडिंग का, बट फिर भी मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करी और उसकी भी आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पे। आप देखोगे फ्री वेबसाइट कैसे करें, और बिल्कुल फ्री में मैंने वेबसाइट क्रिएट करी थी वो। ठीक है, और बहुत बढ़िया वीडियो है। देखो वेबसाइट तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, और मैं बता भी रहा हूँ, मैंने भी एक वेबसाइट बनाई है मेन पॉइंट स्टडी की, और जो मैं बोल रहा था ना कि मेरी उससे अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई थी, अब अर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो वही वेबसाइट है mainpointstudy.in करके मैंने एक वेबसाइट बनाई थी। आप वो वेबसाइट का इंटरफेस वगैरह देख सकते हो, वेबसाइट कैसी है। उस वेबसाइट पे मैंने नोट्स वगैरह अपलोड किए। ठीक है, और आप वेबसाइट खोल के देखोगे ना, गूगल क्रोम पे खोलोगे तो आपको ऐड मिलेगी ऊपर और नीचे। मतलब मैंने वेबसाइट बनाई, उस पे मैटर वगैरह अपलोड किया, कॉन्टेंट वगैरह अपलोड किया, उसके बाद क्या हुआ, उसको मैंने मोनेटाइज करवाया। मोनेटाइज कैसे करवाते हैं मैं इसके बारे में कभी अलग बताऊंगा, बट पहले आप अपनी वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर लो। मैंने जैसे बोला कि डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि एक वेबसाइट फ्री में आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बच्चे को पता होना ही चाहिए कि एक वेबसाइट कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो आप वेबसाइट बनाओगे, उस पर अपने नोट्स वगैरह अपलोड करोगे, करते रहना। ऐसा नहीं है कि आज आपने वेबसाइट बनाई और कल अर्निंग। मैं आपको बता दूं, मेरे को वेबसाइट बनाने में बहुत टाइम लगा है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा ना मेरे को कितना टाइम लगा है, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। मतलब आपको लगेगा यार ये तो बहुत इम्पॉसिबल है हमारे लिए करना। ठीक है, बट बात यह है कि मेरे को अपना मेन पॉइंट टेक वाला, मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल भी संभालना था, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था वेबसाइट पे, तो इसलिए मेरे को वेबसाइट बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। आप चाहो तो 1-3 हफ्ते के अंदर अच्छे से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो अपनी। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वो वेबसाइट वगैरह देख लेना आपके कैसे बनाते हैं। ओके, अब उससे भी मैंने अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी तक 1-2 दिन ही हुए हैं, मेरे ख्याल 50 सेंट हुआ है। 50 सेंट का मतलब होता है $0.50, $0.50 का मतलब होता है ₹35। अब जिसको नोट से कुछ भी नहीं मिल रहा, अगर उसको नोट से ₹35 भी मिलते हैं 2-3 दिन के, तो काफ़ी है। ठीक है, और ये अर्निंग बढ़ेगी। मैंने कहा ना कि अभी मैंने वेबसाइट जो है मोनेटाइज करी है। ठीक है, मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे आएंगे लोग आएंगे उस पे नोट्स वगैरह डाउनलोड करेंगे, मेरी अर्निंग भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं।
जिससे जो है वो आप अर्न कर सकते हो। पहला तरीका जीपी लिंक, दूसरा तरीका वेबसाइट, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताता, वो ये है कि आप अपने नोट्स के लिए डिमांड कैसे क्रिएट कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि आपको अपने नोट्स में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहले तो आप अपने नोट्स का एक फ्रंट पेज डिज़ाइन करो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब, मैं भी स्टार्टिंग में, आप अगर मेरी बहुत पुरानी वीडियो उठा के देखोगे, उस पर नोट्स डाउनलोड करने की कोशिश करोगे ना, जीपी लिंक ही दे रखा है, पुरानी बहुत पुरानी वीडियो में तो जीपी लिंक दे रखा है, बट आज की वीडियो में मैं वेबसाइट वगैरह देता हूँ, ठीक है, जो अब वीडियो बनाता हूँ उस पर वेबसाइट वगैरह का लिंक देता हूँ, फिर डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो उसको आप खोल के देखोगे ना, तो आपको ना स्टार्टिंग में सिर्फ मेन पॉइंट, कोने पे मेन पॉइंट स्टडी लिखा होता है और फिर मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। बट अगर मैं अभी की बात करूँ तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं आप फ्री में नोट्स देता भी हूँ ना, डायरेक्टली पीडीएफ देता हूँ, तो फ्रंट पेज है ना मैंने डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें मैंने मेन पॉइंट स्टडी लिख रखा है, मेरे अलग अलग चैनल के नाम, जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, इस चैनल का लिंक दे रखा है मैंने, मेन पॉइंट गेमिंग का दे रखा है, गेमिंग चैनल भी हमारा, ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, ब्लॉगिंग चैनल से याद आया कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट करी है मैंने, और वो इसलिए करी है ताकि मैं कैमरा फ्रेंडली बन जाऊँ। आप भी वो चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख कर बताना कि वो वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। उसके बाद एक यूनिक वर्ल्ड, तो यानी अलग अलग चैनल के लिंक दे रखे हैं, यानी मैं सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वीडियो नहीं देखते, वो डायरेक्टली नोट्स पे आते हैं, तो अगर वो नोट्स किसी को सेंड करते हैं तो उसको भी मेन पॉइंट स्टडी के बारे में और अलग अलग चैनल के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने नोट्स पे पहले तो फ्रंट पेज पे अपने चैनल का थोड़ा इंट्रोडक्शन, या अपना नंबर देना चाहो, या अपना इंस्टाग्राम आईडी, कुछ भी देना चाहो तो वो लिख दो, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, मैंने अपने नोट्स में भी ये डाला है तो आपको दिख जाएगा। अब सबसे पहले तो अब आपको करना क्या है, देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नोट्स बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे बढ़िया ना, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सबसे बढ़िया जो है वो टीचर समझाता है। मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें एक टीचर नहीं समझा पाता ना अपने स्टूडेंट को, वो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को समझा देता है। आप अपनी क्लास में बैठो, टीचर की अगर कोई बात आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी ना, आप अपने दोस्त से पूछना, वो आपको ऐसे बताएगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो और उसको YouTube पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। या तो पूरी पूरी वीडियो बनाओ, या छोटे छोटे सिर्फ अपने डायरेक्ट नोट्स की वीडियो बना दो और नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो जीपी लिंक दे दो, बोल दो, और बोलना है आपको, ठीक है। ऐसे सिर्फ ऐसे नहीं कि स्क्रीन पे लिख दो, आप वीडियो में बोलो, फेस दिखाना ना दिखाना आपकी चॉइस है। मैं आपको बता दूं, मेन पॉइंट स्टडी पर जो भी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो डाली थी उसमें मेरा फेस बिल्कुल नहीं दिखा था। अभी इसी साल मैंने या 3-4 महीने पहले अपना फेस जो है वो रिवील किया है, उससे पहले मैं फेस वगैरह अपना शो नहीं करता था। तो आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये सारे के सारे नोट्स हैं, और नोट्स एकदम परफेक्ट रखना। मेरे परफेक्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि आप डेकोरेशन वगैरह कर दो, परफेक्ट का मतलब है सारे टॉपिक अच्छे से लिखे होने चाहिए, शॉर्ट में लिखे होने चाहिए, जो उसको पसंद आए, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक बार नोट्स डाउनलोड करने के बाद वो सोचे यार क्या फालतू नोट्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बढ़िया नोट्स होने चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सप्लेन भी करो, इससे एक तरह से डिमांड क्रिएट होगी आपके नोट्स की, ठीक है। लोग चाहेंगे यार ये समझाता अच्छा है, तो बढ़िया नोट्स भी बना रखे होंगे उन्होंने, और फिर डाउनलोड करेंगे वो आपके नोट्स। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और अगर आप पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो मैंने बोला ना, 1 मिनट की वीडियो बना दो अपने नोट्स की, सिर्फ ऐसे वीडियो बना के दिखा दो और अपलोड कर दो, और एंड में बोल देना कि आप अगर ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जीपी लिंक दे रखा है। और याद रखना, जीपी लिंक को खोलना है ना थोड़ा सा टफ होता है, आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अलग से वीडियो बना लेना, मतलब मेन पॉइंट जो टैग पे मैंने जीपी लिंक वाली वीडियो डाल रखी ना, तो उसमें मैंने बताया भी होगा कि आप जीपी लिंक को कैसे ओपन कर सकते हो। तो उसको ओपन करते वक्त एक वीडियो बना देना और उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना, और बच्चों को बोल देना कि अगर आपसे नोट्स डाउनलोड नहीं होते जीपी लिंक से, तो नीचे मैंने वीडियो दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपके नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे, ओके। और अगर हम वेबसाइट का लिंक दे दो तो बहुत ही बढ़िया है जी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट क्लिक करेगा, अगर गलती से ऐड पे क्लिक कर दिया उसने तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब कुछ अर्निंग थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये कुछ स्टेप हैं जिससे आप अपने नोट्स की डिमांड क्रिएट कर सकते हो, ओके। सो ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने बाद में ऐड किया है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, पहली बात तो ये है कि ऐसी छोटी छोटी वीडियो आप YouTube पे डालोगे ना, तो जैसे मैंने आपको बोला, या तो आप पूरा एक्सप्लेन करके डालो, पूरा का पूरा चैप्टर या जो भी चीज़ है आपके नोट्स वो एक्सप्लेन करके डालो, या अगर नोट्स की भी पिक्चर वगैरह आप क्लिक वगैरह करके, या फोटो वगैरह, या फोटो से वीडियो वगैरह बना के YouTube पे अपलोड करते हो ना, तो अगर उस वीडियो डालने से आपके 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे हो जाते हैं और 4000 घंटे पूरे हो जाते हैं, तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा YouTube का, और आपके चैनल पे भी एड्स वगैरह चलेगी, ठीक है। और जब उस पे ऐड चलेगी तो उससे भी आपकी अर्निंग होगी। और अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत आती है कि आपको YouTube पे कैसे वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो कैसे बनानी है, अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करना है,
विद फेस विदाउट फेस कैसे वीडियो रिकॉर्ड होती है, तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है मेन पॉइंट टेक पर ही, यानी इसी चैनल पर वीडियो बना रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या 18 वीडियो अभी तक अपलोड करी है मैंने इस चैनल पर, तो आपको मिल जाएगी। थोड़ा स्क्रोल वगैरह करना वीडियो सेक्शन में आके, तो आपको मिल जाएगा हाउ टू टीच ऑन यूट्यूब, वहाँ पर वो वीडियो मैंने दे रखी है। ओके, और वेबसाइट के बारे में भी एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर मेन पॉइंट टैग पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, मेन पॉइंट टैग पे बताया है मैंने कि कैसे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो जब आप वो वीडियो ओपन करोगे ना, तो पूरी बता रखा है मैंने, पूरी प्रोसेस बता रखी है। बट अगर कुछ एडिशन चीज़ भी आप ऐड वगैरह करना चाहो, तो मैं बताऊँ मैंने पूरी वेबसाइट कहाँ से बनाई है पता है, यूट्यूब से देख कर ही बनाई है। तो अगर कोई चीज़ आपको देखनी हो कि जी टाइटल बार कैसे डालते हैं, मेन्यू कैसे डालते हैं वेबसाइट में, PDF कैसे अपलोड करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को मैसेज वगैरह कर देना इंस्टाग्राम वगैरह पर, सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी चैनल जो भी है लिंक मैंने दे रखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। और ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि जी कल आपने वेबसाइट बनाई और आज से अर्निंग स्टार्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। या कल GP लिंक पर डाला, या कल YouTube चैनल बनाया आपने, छोटी छोटी वीडियो डाली और अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, एक महीना दो महीना या तीन महीना देना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, मैं आपको बता दूं मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पर भी 6 महीने में मेरे ख्याल 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, बट उसके बाद बनना स्टार्ट हो गए और आज 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत आसानी से लिख सकते हो। और घबराना मत, मैं बेशक टीचर हूँ, बट ऐसे गुस्से वाला कोई टीचर नहीं हूँ, आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, और मेन पॉइंट टैग पे आपको और भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो मैंने डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए ही बनाई है। ठीक है, कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है और क्या क्या चीज़ें उसे पता होनी चाहिए। देखो, आज के टाइम में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्टूडेंट को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती। ठीक है, और इसी वजह से उसे पैसे कमाने में थोड़ी दिक्कत होती है जब वो थोड़ा 12th पास या ग्रेजुएशन वगैरह कर लेता है। तो इसीलिए मेन पॉइंट टैग की जो भी वीडियो मिले, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर मेरे को बोलते हैं, शिकायत करते हैं, गुस्सा करते हैं कि सर आपकी वीडियो आ जाती है बट हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, पता नहीं चलता, बाकी को पता चल जाता है। तो बात यह है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन आता ना, घंटे वाला बटन आता, उसे भी दबा देना। मेन पॉइंट टेक का भी, मेन पॉइंट स्टडी का भी, यूनिक वर्ल्ड का भी, हमारे गेमिंग चैनल का भी और ब्लॉगिंग चैनल का भी। ब्लॉगिंग पे आप बताना कि दिल्ली में मैं कहाँ अलग अलग, अगर कभी इंटरनेशनल टूर बनता है हमारा या अलग अलग स्टेट में बनता है, तो वो सारी की सारी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आए कि सर मेरे को ड्राइव पे, जैसे मैंने बोला ड्राइव पे लिंक अपलोड नहीं हो रहा, या ड्राइव पे नोट्स अपलोड नहीं हो रहे, सर नोट्स कैसे बनाऊं, किस ऐप का यूज़ करके अपने नोट्स की PDF वगैरह बनाऊं, या वेबसाइट में कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम पे भी मेन पॉइंट टेक का एक अलग से मैंने ग्रुप बना रखा है, चैनल बना रखा है, तो आपका कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।